नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वशीकरण गुरुजी में। आज मैं आप सबको बताऊंगा आप किस प्रकार से 5 आम के पत्ते लेकर अपने खोए हुए प्यार को वापस पा सकते हैं, या फिर किसी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं, मनचाही शादी कर सकते हैं, या बिछड़े हुए प्यार को वापस पा सकते हैं। अगर किसी का पारिवारिक अनबन है तो उसे भी दूर कर सकते हैं उसके दिल में प्यार जगाकर। दोस्तों, इस विधि को कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। दोस्तों, इस विधि को आपको शुक्रवार के दिन प्रातःकालीन सूर्य उदय से पहले ही करना है। आपको 5 आम के पत्ते लेने हैं। दोस्तों, पत्ते आपने पेड़ से तोड़कर लेने हैं, जमीन पर गिरे हुए पत्ते बिल्कुल भी ना लें आप। और पत्ते साबुत होने चाहिए, कहीं से कटे या फटे नहीं होने चाहिए। अब इन पत्तों को अपने पास लेकर रख लेना है अपने। दोस्तों, अब आपको चंदन की शाही बनानी है। चंदन का पाउडर होता है, उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, जिससे कि वह शाही की तरह बन जाए। अगर गंगा जल आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप उसमें स्वच्छ जल मिला लीजिए। और कलम के लिए, पत्तों में लिखने के लिए जो आम की छोटी सी कोई भी लकड़ी ले लीजिए। आपको आम की ही लकड़ी लेनी है दोस्तों। अब उन आम के 5ों पत्तों पर आपने उस व्यक्ति का पूरा नाम लिखना है और उन आम के पत्तों के पीछे नाम लिखने के बाद आपने स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। अब इसके बाद आपने इन आम के पत्तों को एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस प्रकार आपको ये रखना है। इसके बाद आपने उन पत्तों को लाल मूली लगाता है अच्छे से लपेट कर 5 गांठें मारनी है। अब इसके बाद आपने उन आम के पत्तों को अपनी मुट्ठी में बंद करके, अब इसके बाद आपने तुलसी की माला लेनी है और एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र आपको डिस्प्ले में भी शो होगा। मंत्र क्या है ध्यान से सुन ले आप, उच्चारण को भी। मंत्र है ओम क्लीन अमुकी वश्य माने स्वाहा। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, ओम क्लीन अमुकी वश्य माने स्वाहा। दोस्तों, इस मंत्र का जाप आपको 101 बार करना है। दोस्तों, इसके बाद आपने उन आम के पत्तों को कोई देख ना पाए किसी ऐसी भारी वस्तु के नीचे दबा कर रख देना है। जब तक वह पत्थर में दबा रहेगा या उस भारी वस्तु के नीचे दबा रहेगा, वह व्यक्ति आपके वश में रहेगा। वह व्यक्ति आपकी सभी बातें मानेगा, आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, आपके अनुसार चलेगा। बस दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा वह वहां से हटना बिल्कुल नहीं चाहिएगा और उसे कोई देखे ना। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों, इसका अगर आप इसका प्रयोग अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए प्रयोग करते हैं तो इसके स्वयं आप खुद जिम्मेवार होंगे। दोस्तों, सबकी मंगल कामना करता हूँ। तब तक के लिए जय माता की।